मतलब 31 टोटल नाबालिग लड़कियों को हम लोगों ने मुक्त करवाया है, जिनको जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों का होता था शोषण, आपको हम बता दें कि सारण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कई ठिकानों पर कई ऑर्केस्ट्रा मालिकों को पकड़ा गया है और उनसे जो लड़कियां हैं नाबालिग लड़कियों को छुड़वाया गया है। तो आइए सुनते हैं सारण एसपी किस प्रकार से बता रहे हैं कि नाबालिग लड़कियों का शोषण ऑर्केस्ट्रा मालिकों द्वारा किया जाता था। देखिए, गुप्त सूचना मिली थी कि इन इलाकों में जो है नाबालिग बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में भर्ती करवा करके उनका शोषण किया जाता है। इस सूचना पर राष्ट्रीय मुक्ति मिशन और सारण पुलिस और चाइल्ड लाइन छपरा, इन लोगों की टीम बना करके जो है हम लोगों ने वहाँ पे भेजा। और आज सुबह में 27 अमनौर से और 4 मकेर से, मतलब 31 टोटल नाबालिग लड़कियों को हम लोगों ने मुक्त करवाया है, जिनको जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये ज़्यादातर पड़ोसी राज्यों की है, झारखंड, बंगाल, असम, इन सबसे इनका जो है इनके होम पाए गए। इसके साथ 5 ऑर्केस्ट्रा संचालकों की भी गिरफ्तारी हुई है और इसमें आगे तफ्तीश की जा रही है। पहले बाल सुधार गृह ले जाया जाएगा, घर वाले आएंगे, उसके बाद प्रक्रिया पूरी करके उनको। तो आपने सुना सारण एसपी किस प्रकार से बता रहे हैं कि कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है और ऑर्केस्ट्रा मालिकों को हिरासत में लिया गया है और लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़ाया गया है जो नाबालिग लड़कियों का शोषण करते थे और अपने ऑर्केस्ट्रा में काम करवाने का काम करते थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।